Praise the name of the Lord. Hallelujah. बहरोबर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया, और नीले आकाश को, और नीले आकाश को प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी बरकत हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। कीड़े इंसान और परिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे, कीड़े इंसान और परिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे, रोजी बख्शे तू सबको, रोजी बख्शे तू सबको, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो। गाइए, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। गाइए मेरे साथ। बहरोबर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया, बहरोबर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया, और नीले आकाश को, और नीले आकाश को प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वी ब्लेस यू फादर दैट वी हैव द प्रिविलेज दैट वी कैन कम इनटू योर प्रेजेंस, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। लॉर्ड, थैंक यू फॉर लिबरल एक्सेस दैट यू हैव गिवन अस इनटू योर होली ऑफ होलीज, एंड दिस एक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर गुड वर्क्स or because any good merit that we have in us, but it is because of the precious blood of the Lamb. So we give praise and glory to the blood of Yahusha. We give glory to the blood of Yahusha. I sprinkle the blood of Yahusha over everyone that is connected online, everyone that shall be connected, everyone that shall hearken unto these words that I will proclaim today, later on. Prabhu, tere vachanon ko tere khoon mein chhipate hain. ये तेरे वचन का प्रकाश, ये मुकाशिफा, अद्भुत रेवलेशन तेरे लोगों के दिलों तक पहुंचे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर शिक्षा देने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ब्रीफ रखूँ, क्योंकि इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है और सारी शिक्षा जो है वो हौच पौच हो जाती है, किसी नतीजे तक नहीं पहुँचती। तो आप प्लीज़ सभी जुड़ जाइए, जो और भी लोग हैं संग में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज शैतान का गिराया जाना। शैतान के गिराए जाने की कितनी स्टेजेस हैं, शैतान कितनी बार गिरा, कहाँ से कहाँ गिरा, और अभी कहाँ है, और आने वाले समय में फ्यूचर में कहाँ गिरेगा शैतान। तो ये शिक्षा बाइबल में से हम पढ़ेंगे,
परमेश्वर के वचन में से जो दो विशेष नबी हैं, एक यशाया जिसने अपनी पुस्तक के 14 अध्याय में और इज़ेकियल जिसने अपनी पुस्तक के 28 अध्याय में शैतान लूसीफर, जिसका असली नाम हिब्रू भाषा में है हीलियल, के ऊपर बहुत विस्तार से डिटेल से शिक्षा दी है, तो हम उसके ऊपर मनन करेंगे। जब हम पढ़ते हैं आइज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक, आइज़ाया चैप्टर नंबर 14, यशाया की पुस्तक का 14 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसमें से मैं कुछ बातें पढ़ूंगा आपके आपके लिए। आइज़ाया चैप्टर नंबर 14, तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली बार शैतान कहाँ से कहाँ गिरा, दूसरी बार शैतान कहाँ से कहाँ गिरा, तीसरी बार शैतान कहाँ से कहाँ गिरा, चौथी बार कहाँ से कहाँ गिरेगा, पांचवी बार अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ जाएगा। द फॉलिंग्स ऑफ सैटन इज अ प्रोग्रेसिव फनोमेना एंड वी आर गोइंग टू रियली डिग डीपर इनटू द स्क्रिप्चर्स टू ट्रूली ट्रूली फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स सैटन फेल, फ्रॉम वेयर ही फेल, एंड द प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द डेविल टू द लोअर एंड द लोअर एंड द लोअर एंड इवेंचुअली द लोएस्ट पार्ट। हालेलुया। तो यशाया 14 में से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने यशाया 14 में क्या लिखा है, उसके 12 वचन से पढ़ता हूँ। ए दिन के सितारे, फजर के बेटे, तू कीकर आसमान से गिर पड़ा। हाउ आर्ट दाउ फॉलन ओ मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ द मॉर्निंग। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है मॉर्निंग स्टार के लिए, यहाँ पे जो दिन के तारे, डे स्टार, मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है इसके लिए वो है हीलियल, हीलियल, बिलियल, हीलियल, ये सारे हिब्रू के वर्ड हैं। बिलियल बिलाल के लिए, बाल के लिए, शैतान के लिए, और हीलियल का मतलब है लाइट बेयरर, रोशनी को लेके जाने वाला। वो रोशनी नहीं है अपने आप में, रोशनी को लेके जाता है, जैसे किसी इंसान के इधर कांधे के ऊपर बहुत बड़ी लाइट रखी हो, जैसे मैरिजेस के अंदर लोग लाइट लेके घूमते हैं। बहुत साल पहले मैं हिमाचल में गया था एक वेडिंग में, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे, तो एक जगह जहाँ पे हम उतरे बस से, गाड़ी से, उसके आगे वो एक लाइट रोशनी रख के आदमी हमें आगे लेके जा रहा था जहाँ वेडिंग थी, रोशनी को लेके जाने वाला, हीलियल, ब्राइट शाइनिंग वन। हालेलुया। तो आपको मालूम ये किस चीज को रेफरेंस है हिब्रू में, दिस रेफर्स टू वीनस। वीनस एक प्लैनेट देखते हैं आप, बाइबल असल में प्लैनेट को नहीं मानती, बाइबल सिर्फ स्टार्स मानती है, सन मून एंड स्टार्स। तो वीनस एक मॉर्निंग स्टार है, डे स्टार, सुबह का तारा है। तो जब ट्रांसलेट किया गया बाइबल को 3rd और 4th century के बीच में, रोमन कैथोलिक इनिशिएटिव था ये, और जेरोम नाम के एक स्कॉलर ने वल्गे, हालेलुया। तो सुन रहे हैं आप, हालेलुया, आप सबको सुनाई दे रहा है, प्लीज बताइए मुझे, बीच में डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो उसने हीलियल को लूसीफर कर दिया। लूसीफर एक लैटिन वर्ड है, लूसीफर का मतलब ही है लाइट बेयरर। लेकिन जब टर्म लूसीफर आ गई तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो सुनिए, इसके ऊपर अलग अलग पोजीशंस हैं बाइबल स्कॉलर्स की, अलग अलग पोजीशंस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो सुनिएगा पहली पोजीशन क्या है, ध्यान से सुने। फर्स्ट पोजीशन इज दैट लूसीफर इज सिंपली रेफरेंस टू अ बीइंग ऑफ लाइट दैट बेयर्स लाइट। लूसीफर एक ऐसे क्रिएटेड बीइंग की ओर इशारा है जो रोशनी को लेकर जाता है, बीइंग ऑफ लाइट हु बेयर्स लाइट, लाइट बेयरर। दूसरी पोजीशन क्या है, जो कहते हैं कि जेरोम को, जेरोम के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसने इसको ट्रांसलेट किया, कि वो हीलियल के लिए लूसीफर वर्ड यूज करे, क्योंकि लूसीफर वर्ड जो है इट मींस मॉर्निंग स्टार, इन द एंशिएंट टाइम्स इट मींस वीनस द प्लैनेट, वीनस जो प्लैनेट है। जैसे कि आप ग्रीक मिथोलॉजी में पढ़ते हैं, वो कहते हैं विमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स। तो अकल्ट की जो दुनिया है, जादूगरी की दुनिया है, विच क्राफ्ट की जो दुनिया है,
वो ये कहती है कि लूसीफर को क्रिश्चियन लोगों ने बैड रेपुटेशन दिया है। आपको मालूम जो न्यू अवेकनिंग आ रही है दुनिया में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसे फ्री मेसनरी लोग, इलीट लोग लेकर आ रहे हैं, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई दुनिया जिसे ग्रेट अवेकनिंग, जिसमें लोग कहते हैं कि वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर योगा का भी बहुत बड़ा हाथ है। योगा क्या है? योगा है, असली योगा का जिनिथ पॉइंट क्या है, योगा का जो पीक पॉइंट क्या है, चरम सीमा क्या है, वो है कि आपकी जो स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके नीचे एक सांप है जो कॉयल करके बैठा है। आप 21 चक्रों के द्वारा, आपके इधर चक्कर उठेंगे, आपके जेनेटियल जो पोर्शन है प्रोडक्टिव ऑर्गन के पास से, आप 21 चक्र खोलेंगे, ऐसे करके चक्र खुलते जाएंगे और वो कुंडलिनी जाग जाएगी, वो जो सांप आपके नीचे है वो जागेगा और यहाँ आके तीसरी आंख आपकी खोल देगा, ऐसे ही सांप दिखाई देगा। आपने देखा होगा मिस्री जो फिराउन होते थे, उनके क्राउन में ऐसे यहाँ पे स्नेक होता था, सांप। सांप एंशंट अकल्ट में, दुनिया के एंशंट कल्चर्स के अंदर विजडम का सिंबल है और इटर्नल लाइफ का सिंबल है। हालेलुया। तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रावर्सी है। वो लोग सेटन को, जो अकल्टिक लोग हैं, जैसे मैडम हेलेना ब्लोबास्की, जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी शुरू की, जो माता है जिसकी पुस्तकें फ्री मेसनरी लोग, इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले पढ़ते हैं, जिसकी चेली थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की आगे शिष्य थी इंदिरा गांधी। हमारे देश में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी है और इसकी जड़ें, खैर आज वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान कैसे कैसे गिरा। पहली बार कहाँ गिरा, कहाँ गिरा गया, कहाँ से गिरा, कहाँ आया, दूसरी बार कहाँ से गिरा, कहाँ आया, तीसरी बार कहाँ से गिरा, कहाँ आया, चौथी बार कहाँ गिरा जाएगा और पांचवी बार कहाँ गिरा जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू टुडे। आज परमेश्वर के वचन में से हम ये पढ़ेंगे, तो सुनिएगा। बाइबल बताती है तीन स्वर्ग के विषय में। बाइबल में हिब्रू में वर्ड है शमाएम, शमाएम का मतलब हेवन्स। तो बाइबल में लिखा है बेरशित 12 एत हश्यमायम वा एथा अरिट्स। हश्यमायम प्लूरल वर्ड है। परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों को बनाया, तो तीन स्वर्ग हम मानते हैं। थर्ड जो हेवन है, तीसरा स्वर्ग जो है, वो यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां यहोवा परमेश्वर का, हालेलुया, जलाली महिमा से भरा सिंहासन है, थर्ड हेवन। और सेकंड हेवन जो है वो खूबसूरत, जहां पे मिल्की वेज हैं, जहां पे खरबों गुना खरबों गुना खरबों गुना खरबों तारे हैं, जिसे वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप से, नासा वाले देखते हैं, और खूबसूरत गैलेक्सीज, उल्कापिंड, तारे, नोवाज और पता नहीं क्या क्या, मीट्रियोटिक शावर्स, एस्ट्रॉयड, मीट्रियोइड, सब कुछ देखते हैं वहां से। वो है सेकंड हेवन, खूबसूरत दुनिया है सेकंड हेवन। और थर्ड हेवन, सेकंड हेवन वो तारों की खूबसूरत दुनिया है, और फर्स्ट हेवन है जो एयर हम ब्रीद कर रहे हैं, ऊपर की जो दुनिया, जहाँ से एयर हम ब्रीद कर रहे हैं, जहाँ से हम सांस ये ले रहे हैं। ये तीन हेवन स्वर्ग को दिखाते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को। शैतान को प्रोग्रेसिवली परमेश्वर ने निकाला, कास्ट आउट किया, प्रोग्रेसिवली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम हिज पोजीशन। शैतान एक मर्तबा नहीं गिराया गया, दो बार नहीं गिराया गया, तीन बार गिराया गया और दो बार और गिराया जाएगा। तो वो आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इजिकियल नबी की पुस्तक में से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, उसका 28 अध्याय, इजिकियल 28। तो यहाँ पे अगर आप 14 अध्याय पढ़ेंगे यशाया और 28 अध्याय पढ़ेंगे इजिकियल, दोनों में जो नबूवत शुरू होती है शैतान के विषय में, लूसीफर के विषय में, हीलियल के विषय में, वो असल में एक राजा से शुरू होती है। यशाया शुरू करता है बेबलोन के राजा से, और इजिकियल शुरू करता है सूर और सैदा के राजा से। सुने अब क्या कहता है वो। तो इसका अगर आप पढ़ेंगे 11 वचन से, इजिकियल 28 का 11, ये उर्दू की बाइबल पढ़ रहा हूं मैं। और खुदावंत का कलाम उस पर नाजिल हुआ,
आदमजाद सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, सूर का बादशाह, और उससे कह खुदावंद यूं फरमाता है, तू खातिमुल कमाल, दानिश से ममूर और हुसन में कामिल है। हालेलुया, तू खातिमुल कमाल, दानिश से ममूर और हुसन में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज, अलमास फिरोजा, संगे सुलेमानी, जबरजन नीलम, जुमरुद गोहरे शब चिराग, और सोने से तुझे खातिम साजी और नगीना बंदी, और सनत तेरी पैदाइश के ही दिन से जारी रही। तो देखिए कितनी खूबसूरत बातें, बड़ी गहरी बातें हैं कि इसे खुदावन ने बनाया और ये अदन के बाग में था। तो ऑब्वियसली सूर और सैदा का राजा था वो अदन के बाग में नहीं था। तो हम जानते हैं यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इंसान की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है हेवनली बीइंग की। तो सुनिएगा ध्यान से। तो इसके विषय में लिखा है कि इसको परमेश्वर ने एक ब्रेस्ट प्लेट दी है जिसके अंदर 9 पत्थर हैं और गोल्ड से कवर किया गया है और इसके अंदर साज बनाए गए हैं और ये साज बजाता है। जब ये साज बजाता है तो खुदावंद के एक फरिश्तों का टोला है जो खुदावंद की परस्तिश करता है। और आपको मालूम इसके विषय में क्या लिखा है, यशाया कहता है तू खरुबीम है, चरबिम। हालेलुया, ये कोई फरिश्ता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना फॉलन एंजल, सेटन इज अ फॉलन एंजल, ये फॉलन एंजल नहीं है, ये करुबीम है, खरबीम, चरबीम, इंग्लिश में कई लोग बोलते चरबीम, ये चरब है खुदावंद का। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद के 5 चरबीम थे। कितने थे? 5। ये एक चरबीम गिरा दिया गया, अभी 4 बाकी हैं। 2 चरबीम जो हैं वो ये देखिए यहाँ पे होते हैं खुदावंद के ऐद के संदूक पे, 2 चरबीम हैं। और 2 चरबीम जो कर्टन है, पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर 2 चरबीम बने हुए हैं। वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, आपको मालूम क्यों फटा वो पर्दा? उस पर्दे के पीछे खुदावंद सेनाओं का यहोवा विराजमान है। आपको मालूम इसराइल में जब किसी का पहलौठा बेटा मर जाता है तो उसका बाप अपने कपड़े फाड़ लेता है। यहोवा का इकलौता पुत्र जो मरने के बाद पहलौठा बना, वो क्रूस पे भयानक मौत मारा गया, तो वो यहोवा की पोशाक है जो यहोवा ने फाड़ दी, वो पर्दा। उस पर्दे के पीछे यहोवा का जलाल छिपा हुआ था। सनातन काल के परमेश्वर, सृष्टि के रचिता, प्रभु यीशु मसीह के पिता और आपके मेरे पिता यहोवा ने अपने पुत्र की मृत्यु के विलाप में अपना वस्त्र फाड़ लिया। हालेलुया। खैर फिर किसी समय इसके ऊपर हम और मनन करेंगे परमेश्वर के कलाम में से। तो ये जो बाबुल का राजा, ये भी एक फिजिकल राजा है, और जो सूर और सैदा का राजा, ये भी फिजिकल राजा है। लेकिन यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो फिजिकल राजा नहीं है। हालेलुया। लोग जैसे फॉलन एंजल कहते हैं, ये फॉलन एंजल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि लूसीफर जो है शैतान, वो अपने आप को ज्योति में ही स्वर्गदूत के रूप में बदल के आपको भरमाने के लिए आ सकता है, ज्योति के दूत की सूरत लेके आ सकता है। और उसके जो मिनियन हैं, कोहोट, उसके जो एंजल्स हैं, उसके साथी, वो भी ज्योति के फरिश्ते के रूप में आ सकते हैं, जो लोगों को भरमाते हैं, लोगों को ज्योति देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं। दुनिया के अलग अलग मार्गों में, अलग अलग पंथों में शैतान ऐसे लोगों को भरमा रहा है। तो जो जेनेरिक टर्म होती है ना, जैसे जेनेरिक टर्म, जैसे मैं बोलूँ आप मेरे घर में आओ, पूछो आपका बड़ा बेटा आदित्य कहाँ गया, मैं बोलूँ वो स्पोर्ट्स में गया है, गेम खेलने गया, तो आप मुझसे पूछे, ये तो बड़ा जेनेरिक आंसर दिया मैंने आपको कि वो गेम खेलने गया। फिर आप मुझसे पूछोगे वो कौन सी गेम खेल रहा है, वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, गोल्फ खेलता है, कौन सी गेम खेलता है? तो ये है स्पेसिफिक। तो अगर हम कहें हेवनली बीइंग, स्वर्गीय बीइंग, तो ये एक बड़ी जेनेरिक टर्म है। हेवनली बीइंग का मतलब एंजल भी हो सकता है,
करुबीम भी हो सकता है, सराफीम भी हो सकता है, आर्कएंजल भी हो सकता है, और अय्यार्स भी हो सकता है, और हेवनली बीइंग का मतलब यीशु मसीह भी हो सकता है, हेवनली बीइंग का मतलब पिता यहोवा भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ऑल हेवनली बीइंग्स, दीज ऑल आर हेवनली बीइंग्स। तो जब आप स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक, तो हम बोलेंगे कि लूसीफर जो है वो खरब है, खरब करुबीम है, खरब है। पांच थे, चार बाकी रह गए। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं इज़ेकियल नबी की पुस्तक 28 अध्याय के वचन 13 वचन में से हमने पढ़ा है कि तू, आगे 14 वचन में, तू मसा करूबी था जो साया अफगन था, मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, वहां तू आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो यहां पे अगर आप पढ़ेंगे हीलियल के विषय में, जिसे जेरोम ने लूसीफर कहा, उसके विषय में पढ़िए कितना जबरदस्त ढंग से खुदावंद ने उसे बनाया। वो मसा किया हुआ था, मशियाक वर्ड है वहां पे, क्राइस्ट, क्रिस्टोस, वो भी क्राइस्ट था, क्रिस्टोस था, मसा किया हुआ कुरूब था। आपको मालूम जो वर्ड है मसा, एनॉइंटेड, इसका मतलब है कॉन्सिक्रेटेड, परमेश्वर के लिए अलग किया गया, परमेश्वर के लिए मखसूस किया गया। जैसे कोई नबी, जैसे कोई प्रेरित, जैसे कोई पासवान, जैसे कोई प्रचारक, उसे मसा कर दिया जाता है, वो परमेश्वर का हो जाता है, परमेश्वर के लिए अलग हो जाता है। ऐसे ही जैसे आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मसा कर दिए, वो परमेश्वर के लिए अलग कर। कुछ लोग कहते हैं ना जी, मसा नहीं, चीज़ें नहीं मसा होती। कोई प्रचारक अभी लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था, बोला था चीज़ें नहीं मसा होती। मैं बताना चाहता हूँ, हैकल के अंदर यहोवा परमेश्वर के पवित्र हैकल में एक एक बर्तन अभिषेक किया गया था, इंस्ट्रूमेंट अभिषेक किए गए थे, साज बजाने वाले साज अभिषेक किए गए थे, जो चीज़ें थी अंदर के, पर्दा थे, कर्टन थे, जो लकड़ी का सामान था, सोने का, चांदी का, पीतल का, सब मसा किए गए थे। और वो खुदावंद यहोवा के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी और के लिए नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कैसे, 17 वचन पढ़ता हूँ, इज़ेकियल 28 का 17, तेरा दिल तेरे हुसन पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाही के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख ले। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है, जमीन पे पटक दिया नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट में सिर्फ ये लिखा है, मैंने तुझे हेवन से बाहर निकाल दिया। शैतान का पहला जो निकाला जाना है वो है थर्ड हेवन से, जहाँ यहोवा पिता की हजूरी वास करती है, जहाँ पे यहोवा पिता पहाड़ पे विराजमान, उसका सिंहासन विराजमान था, उसको ढांक के रखता था करबीम। कौन? हीलियल, लूसीफर, उसको ऐसे छाया करता था, ढांक के रखता था, और परमेश्वर के एंजल्स को लीड करता था यहोवा की वर्शिप करने के लिए। और एक पुरोहित के पत्थर थे इसके सीने के ऊपर, 9 पत्थर थे, पूरे नहीं थे, पूरे 12 इसराइल के याजक को दिए गए हैं, पूरे के पूरे पत्थर हैं मलकी सिदक सरीखे महायाजक यीशु मसीह के पास। ये ट्रेड करने के लिए स्टोन्स दिए जाते हैं, ये अलग सब्जेक्ट है, इस पर फिर कभी हम बात करेंगे। तो उसे गिराया गया, वो कवर करता था थ्रोन को, यहोवा परमेश्वर के थ्रोन को, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के यहोवा की स्तुति करता था। और हीलिए लूसीफर क्रिएटेड बीइंग है, एक क्रिएटेड बीइंग को, एक बनाए गए प्राणी को जितना अधिक से अधिक जलाल परमेश्वर दे सकता था उतना इसे दिया। इसके विषय में क्या लिखा है, तू मसा करूबी था जो साया अफगन, जो साया अफगन था, मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, तू वहाँ आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, और तू अदन के बागे खुदा में रहा करता था, हरेक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए, मसलन यकूत, शुर्क, बुखराज, अलमास, फिरोजा, संगे सुलेमानी, जबरजंद, नीलम, जुमरुद, गोहरे, शब चिराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की। सनत तेरी पैदाइश के दिन के रोज से ही जारी रही, तू अपनी पैदाइश के रोज से अपनी राह और रसम में कामिल था, जब तक तुझ में नरास्तगी ना पाई गई। नरास्तगी पाई गई उसके अंदर, कुटिलता, ईवल वॉज फाउंड इन हिम। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर ने एक क्रिएटेड बीइंग, ये क्रिएटेड बीइंग है, यीशु मसीह क्रिएटर है, यीशु मसीह क्रिएटेड बीइंग नहीं है,
यीशु मसीह को यहोवा ने पैदा नहीं किया एक दिन, यीशु मसीह यहोवा पिता के संग अबदो अबाल से है, अनंत काल, अनक्रिएटेड सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड है खुदावन यीशु मसीह। तो ये है शैतान का पहला गिराया जाना, तीसरे हेवन से सेकंड हेवन में। उसके बाद लूका की इंजील उसका 10 अध्याय, लूका की इंजील निकालें जल्दी से उसका 10 अध्याय, लूक चैप्टर नंबर 10, लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 18 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुने। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैंने शैतान को बिजली की तरह, बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग, शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा। अब शैतान क्या कर रहा है, वो थर्ड हेवन से सेकंड हेवन में आ गया जहां पे ब्यूटीफुल गैलेक्सीज गैलेक्सीज हैं, मिलियंस इनटू मिलियंस इनटू मिलियंस इनटू मिलियंस, बिलियंस इनटू बिलियंस इनटू ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। वो खूबसूरत दुनिया में रहता था जिसे हम टेलीस्कोप से देखते हैं, अबल टेलीस्कोप से। वहां से फिर निकाला गया, गिराया गया, पहले थर्ड हेवन से, अब सेकंड हेवन से गिराया गया। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने बिजली की तरह उसे गिरते हुए देखा। हालेलुया। आपको मालूम, थर्ड हेवन मटेरियल प्लेस नहीं है। सेकंड हेवन को हबल टेलीस्कोप से वैज्ञानिक देख सकते हैं, लेकिन थर्ड हेवन को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि थर्ड हेवन स्पिरिट रेलम है, आत्मा की दुनिया है, खूबसूरत ब्यूटीफुल आत्मा की दुनिया है। वो साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, अकल्ट दुनिया, जादूगरी टूना करने वाले कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, विचेज विजर्ड वॉरलॉक्स जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, उस रेलम को एक्सेस नहीं कर सकते जहाँ यहोवा पिता का सिंहासन है। आपको मालूम, वो खूबसूरत दुनिया जो है स्पिरिट डिमेंशन है, उसके अंदर केवल आप अंदर उसके तभी जा सकते हैं जो यहोवा परमेश्वर आपको बुलाए, और उसके अंदर एंटर करने के लिए एक पोर्टल है, उस दुनिया में जाने के लिए एक दरवाजा है। पढ़ें नबियों की किताबें, जब दरवाजा खुलता है तब यहोवा इजिकियल को बुलाता है हेवन में। जब दरवाजा खुलता है प्रकाश की पोथी पहले अध्याय में, तब यहोवा परमेश्वर यूहन्ना को बुलाता है स्वर्ग में। स्वर्ग में आप केवल यहोवा पिता के इनविटेशन से जा सकते हैं, और दरवाजे के द्वारा। आपको मालूम वो दरवाजा कौन है, वो दरवाजा है खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं, देखो मैंने शैतान को बिजली की तरह गिरते देखा। अब सेकंड हेवन से फर्स्ट हेवन में गिरा दिया गया शैतान, बिजली की तरह गिराया सेकंड हेवन से फर्स्ट हेवन में, एटमॉस्फियर के अंदर आ गया, वो फिजा में है इस समय शैतान। पढ़े, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे संग निकालें जल्दी से इफिसियों की पत्री, खुदावंद के खादिम पौलुस का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत निकाले, इफिसियों की पत्री जल्दी से निकाले, और उसके हम चलेंगे 2 अध्याय में। इफिसियों की पत्री उसका 2 बाब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इफिसियों की पत्री 2 बाब उसकी 2 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने। इफिसियों की पहली और 2, दोनों पढ़ देता हूँ। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, हम मुर्दा थे, यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला में जिंदा किया, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के परजंदों में तसीर करती है। खुदावंत का खादम कहता है, यू वर कंट्रोल्ड बाय द पावर ऑफ द एयर। तुम लोग किसके चलाए चलते थे, वो शक्ति जो फर्स्ट हेवन में एयर के अंदर, हवा के अंदर काम कर रही है, फिजा के अंदर काम कर रही है। ही इज द लॉर्ड ऑफ द एयर, वो हवा जो है ना ऊपर एटमोस्फियर, उसका स्वामी है इस समय। वो थर्ड हेवन से निकाल दिया गया, सेकंड हेवन से बिजली की तरह गिरा, फर्स्ट हेवन में आ गया। अभी वो फर्स्ट हेवन में है, लिखा है, जिसमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते और हवा की अमलदारी के हाकिम, हवा की अमलदारी का हाकिम है वो। ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, वो फर्स्ट हेवन की हवा फिजा के ऊपर बैठा अपना सिंहासन लगाए है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, वहां पे हुकूमतें इख्तियार प्रधानताएं स्पिरिचुअल विकेडनेस बैठी है फर्स्ट हेवन में, फर्स्ट हेवन से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है शैतान।
हालेलुया। एक और वचन पढ़े, प्रकाश, प्रकाशित वाक्य, उर्दू में उसे कहते हैं मुकाशिफा। जल्दी से निकाले 12 बाब, मुकाशिफा 12 बाब, और उसकी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मुकाशिफा 12 बाब की 9 आयत, जल्दी से पढ़े। और वो बड़ा अजदा यानी वो ही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ जमीन पर गिरा दिए गए। ये शैतान का है चौथा गिराया जाना। पहले थर्ड हेवन से सेकंड हेवन में आ गया, सेकंड हेवन से फर्स्ट हेवन में आ गया, फर्स्ट हेवन से जमीन पे आएगा, जो तीसरा गिराना है उसका, थर्ड फॉल ऑफ सेटन। तीसरी बार जब गिराया जाएगा तो जमीन पे आएगा शैतान। प्रकाश की पोथी 12:9 में लिखा है वो जल्दी जमीन पे आने वाला है। जब 7 साल का शैतान का राज्य आएगा तब शैतान खुद जमीन पे आएगा। उन लोगों का पड़ोसी बनेगा जिन्होंने यीशु मसीह पे भरोसा नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है। अभी वो फर्स्ट हेवन में है, एयर के अंदर हवा से राज्य कर रहा है। इफिसियों 6:12 में 4 अलग अलग कुवते राज्य कर रही है वहां से। कल मैं इसके विषय में आपको बता रहा था। अब इसके बाद कहां जाएगा शैतान? चौथे, 3 गिरना हो गया शैतान का, थर्ड हेवन से फर्स्ट हेवन में गिरा, थर्ड हेवन से सेकंड हेवन में गिराया गया, सेकंड हेवन से फर्स्ट हेवन में गिराया गया, फर्स्ट हेवन के बाद जमीन पे गिराया जाएगा। जमीन के बाद चौथी कौन सी जगह है जहां पे शैतान को गिराया जाएगा? पढ़े मुकाशिफा उसका 20 बाब, मुकाशिफे का 20 बाब और उसका पहला वचन, मुकाशिफा 20:1। सुने, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अदजा यानी पुराने सांप जो इबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। चौथा जो शैतान की जगह है, 3 तो हो गई, तीसरी जगह में रह रहा अभी फर्स्ट हेवन में, थर्ड हेवन से सेकंड हेवन में गिराया गया, सेकंड से फर्स्ट में, फर्स्ट से फिर वो जमीन पे गिराया जाएगा जो टाइम आने वाला है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक फरिश्ता आके उस सांप को जो इबलीस कहलाता है, शैतान कहलाता, अजगर कहलाता है, उसे बांधा जाएगा और 1000 साल के लिए बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा। अबसूसो ग्रीक वर्ड है, अबसूसो, अबसूसो में एबिस्मल पिट, अबसूसो जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है प्लेस ऑफ नो नॉलेज। जमीन के नीचे एक ऐसी नेगेटिव रेलम है, रेलम ऑफ नेगेटिविटी, एक ऐसा माइनस रेलम है जमीन के नीचे जहां पे ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, आशा नहीं है, ज्योति नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसी नेगेटिव जगह में 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। उस 1000 साल के लिए यीशु मसीह जमीन पे राज्य करेगा और हम सब जो जय पाए, जो फल पैदा करे और जो वफादार रहेगा, जिन्होंने पवित्र और धर्मी जीवन गुजारा है, वो 1000 साल यीशु मसीह के संग राज्य करेंगे। और शैतान को बांध के अबसूसों में, अबसूस बॉटमलेस पिट में, अथाह कुंड में डाला जाएगा जहां पे अबदोन और अपोलियन दोनों एक ही बंदे के नाम है जो बदरुओं का स्वामी है। आप जानते हो कौन है हमारे देश में किसे कहते हैं बदरुओं का स्वामी? बदरुओं का जो स्वामी है उसको अभी बांध के डाला हुआ है, उसका नाम है अबदोन, हिब्रू में और ग्रीक में अपोलियन, जिसका मतलब है विनाश का देवता। जब वो नाचता है तो विनाश आता है, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वो वहां पे डाला गया जहां पे 1000 साल के लिए शैतान को डाला जाएगा। आपको मालूम प्राचीन जो टेम्पल था जिनेवा के इलाके में, अपोलो, अपोलो देवता का टेम्पल था, ग्रीक देवता अपोलो का, उस टेम्पल के ऊपर ही पूरे गोल सर्कल के अंदर सर्न बना है, CERN। सर्न यूरोप के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जैसे वेस्टर्न लोगों के लिए नासा है, वैसे यूरोपियन लोगों के लिए है सर्न, जहां पे हाइड्रोन कोलाइडर बना के हिग्स एंड बिजोन नाम के दो साइंटिस्टों ने ऑटम्स को दौड़ाया था स्पीड ऑफ लाइट। गॉड पार्टिकल ढूंढना चाह रहे थे कि दुनिया कैसे बनाई है परमेश्वर, लेकिन ढूंढ नहीं पाए, फेल हो गया उनका वो। बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए उस एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन वो फेल हो गया। तो वचन में क्या लिखा है? शैतान को पकड़ के अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, चौथा गिराया जाना है शैतान का, फोर्थ फॉलिंग ऑफ सेटन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ
आखिरी फॉलिंग क्या है शैतान की, फिफ्थ फॉलिंग ऑफ सेटन। पढ़े मेरे संग मुकाशफा की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, मुकाशफा 20 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़े। रेवलेशन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10, प्रकाशित वाक्य 10:20 अध्याय का 10 वचन। और उनका गुमराह करने वाला इबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो दिन रात अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। हालेलुया। पांचवी मर्तबा शैतान को गिराया जाएगा, फिफ्थ फॉलिंग। वो कहां पे है? वो लेक ऑफ फायर में है, आग की झील में है। भाई और बहनों, आग की झील शैतान की फाइनल अबोर्ड है। शैतान का आखिरी घर कौन सा है? आग की झील। उसके अंदर ऑलरेडी कौन है? दो बंदे ऑलरेडी हैं जो उसके साथी हैं, बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट। दरिंदा ऑलरेडी है और झूठा नबी ऑलरेडी है वहां पे। पांचवा गिराया जाना है वो शैतान का। तो पांच मर्तबा शैतान गिराया जाता है। पहली मर्तबा थर्ड हेवन से सेकंड हेवन में, दूसरी मर्तबा सेकंड हेवन से फर्स्ट हेवन में, एटमोस्फियर में, जहां अभी वो है, समझ रहे? उसके बाद उसे जमीन पे गिराया जाता है, उसके बाद जमीन से बॉटमलेस पिट में 1000 साल के लिए बांधा जाता है, फिर रिलीज होता है, फिर आर्मगेडन की बैटल करता है, दुनिया की कौमों को डिसीव करता है, और आर्मगेडन की बैटल होती है मसीह के विरुद्ध, फिर उसको अल्टीमेटली कहां फेंक दिया जाता है? आग की जलती हुई झील में। लेकिन अभी पहला पत्रस 5:8 पढ़ ले, पढ़ देता हूं आपके लिए, बहुत एक खास वचन है, पढ़ लें। पहला पत्रस उसका 5:8, पहला पत्रस 5:8 सुने। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इस समय वो क्या कर रहा है? ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, थर्ड हेवन के अंदर बैठा है, इफिसियों 6:12 में। प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, स्पिरिचुअल विकेटनेस उसके साथ है, वहां से आसन है उसका, दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, वहां से माइंड मैनिपुलेट कर रहा है, दुनिया की सियासत को, पॉलिटिकल लीडर्स को, दुनिया के इकोनॉमिस्टों को, पैसे को, दुनिया के रिलीजन धर्मों को, दुनिया के सोशल स्ट्रक्चर को, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम को, दुनिया के तजारत के सिस्टम को, दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, दुनिया की फैशन, क्लोथिंग, मर्चेंडाइज, हर तरह के जो आयाम हैं दुनिया के, डिमेंशंस हैं, उन सबको वो कंट्रोल कर रहा है वहां से। और लिखा है, क्या लिखा है? होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह। वो शेरे बब्बर नहीं है, शेरे बब्बर तो एक ही है, यहूदा के कबीले का शेरे बब्बर जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह, ये शेरे बब्बर की नकल करता है, ये नकलचिया है, शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता है, लेकिन यीशु मसीह ने इसके दांत निकाल दिए हैं ऑलरेडी। आपको मालूम, शैतान की अथॉरिटी कम से कम होती जा रही है। जितनी अथॉरिटी शैतान के पास अदन के बाग में थी आदम और हवा को भरमाने के लिए, उतनी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुअली गिरता जा रहा है। तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में गिरा गया, दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में एटमोस्फियर में गिरा गया, फिर जमीन पे गिरा गया, फिर उसके बाद पताल के बॉटमलेस पिट में बांधा गया, फिर आग की झील में झोंक दिया जाएगा। उसकी अथॉरिटी कम होती जा रही है। यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, कुलिसियों की पत्री में लिखा, उसे नंगा कर दिया, स्ट्रिप्ड हिम ऑल ऑफ हिज पावर। लेकिन अभी भी उसके पास पावर्स हैं, अभी भी उसके पास शक्ति है, अभी भी उसके पास अधिकार है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों के 5 अध्याय में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है कि जो भाई जनाकारी करता है या बहन जनाकारी करती है, उसे तुम समझाते हो नहीं मानता, कलीसिया के बुजुर्ग समझाते हैं नहीं मानता है, पूरी कलीसिया समझाती है तो भी नहीं मानता है, ऐसे भाई को शैतान के हवाले कर दो। शैतान मसीहों को मार भी सकता है, भ्रम में मत रहिएगा। परमेश्वर कई बार इंटरवीन करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने उसकी सामर्थ छीन ली है, लेकिन अभी भी उसके पास अधिकार है, और वो पूरी तरह स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा। हालेलुया, पूरी तरह स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा फ्यूचर में। तो समझिए परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर का कलाम क्या सिखाता है, परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। बहुत सारे लोग, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, शैतान तू साड़ी जुत्ती से ले,
आपको ये कहने की जरूरत नहीं है आलतू फालतू में। बहुत सारे लोग नाचते हैं स्टेजों पे कन्वेंशनों में, यीशु तेरी बल्ले बल्ले शैतान मेरे तल्ले तल्ले, बहुत करते हैं, जीवन सही नहीं होता उनका। शैतान कहता कोई बात नहीं, वही पासवान लोग जो नाचते हैं ना, जंप करते हैं जुत्ती तल्ले तल्ले, घर में जाते हैं वो शैतान उनकी बीवी में गुस्सा होता है और सीधा कर देता उनको। इसलिए क्योंकि वचन में क्या कहा कि मूसा की लोथ के विषय में मिकाएल ने उसे वाद विवाद नहीं किया, बल्कि ये कहा हे शैतान यहोवा तुझे झिड़के। हालेलुया। तो आइए हम वही करें। बहुत सारे लोग पासवान मैंने देखे, किसी में बदरू होती बोलते शैताना कुत्ते की तरह पौंक। अरे भाई ये कलाम के अंदर नहीं लिखा गया ये बातें, लकीरा कड टाणा तोड़ जा दरखत दर, ये बेकार की फालतू बातें हैं, ये खुदावंद का कलाम नहीं है। कलाम से बाहर मत जाइए जब आप इन चीज़ों को डील करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ये जो मैंने मैसेज दिया 5 बार शैतान का गिराया जाना, ग्रेजुअल फॉलिंग ऑफ सैतान, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, ये सिर्फ इंडिया की बात छोड़ें पूरे विश्व में नहीं मालूम होगा। तो प्लीज़ ये प्रभु का ही वचन है, प्रभु की कृपा से मिला है, इसे सब लोगों तक बांटिए, अपनी फेसबुक पे वॉच पार्टी करके शेयर करें सब लोगों के साथ। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन।